हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, मुँ विभूति आपणको स्वागत करुच्ची इंडियार लार्जेस्ट लर्निंग प्लाटफर्म अन एकाडमी को। सांग माने समस्तिंकु मो तरफ गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ, राम राम, जुहार, जय हिंद। कौन फ्रेंड्स, आपण मैंने मो वॉइस पाउछंती? ऑडियो वीडियो ठीक ठाक अच्छी? यस सर, नो टिके कन्फर्म कर दियंतु। ऑडियो वीडियो ठीक ठाक अच्छी? वॉइस क्लियर अच्छी? यस और नो? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रणाम प्रणाम। यस चलंतु। सो फ्रेंड्स, आपण को जणेबी जो माने समस्त बर्तन ए क्लास को जॉइन करी गले लाइव, से मन को जणेबी निज सब फ्रेंड्स मन को आपण माने शेयर कर परिबे आज ए क्लास लिंक। आज ए क्लास हो जो फ्रेंड्स आपण को वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल, आमे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखिबा। किसी जन वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल टाइम रे कौन इंपोर्टेंट इवेंट बा कौन इंपोर्टेंट अचीवमेंट अच्छी आपको किसी स्लाइड मध्यम जनईबी। आपंकर एग्जामिनेशन रे जदि वन मार्क क्वेश्चन एथिरु आसीबा तबे आज क्लास रु ही क्वेश्चन आसीबा, आ बाहर क्वेश्चन आसीबा नाही। तेणु क्लास रो इंपोर्टेंस को बुझंतु, वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, बेसी समय भी रही भी नाही, आउ बहुत सारा इनफर्मेशन आपण माने बर्तन मो सहित शिखिबा को जाउचंदे। वीडियो को आपण माने शेयर तथा सांग मानंकु जणई परिबे व्हाट्सएप रे, टेलीग्राम रे, एबी रे, जोटी पाउछन आपण माने शेयर माध्यम रे जणई दियंतु। इंपोर्टेंट अपडेट आज होछि फ्रेंड्स आपणकर 30 जून, आउ किछि घंटा रो माने अपेक्षा मात्र आउ 6 घंटा भीतर फ्रेंड्स आपणकर एटा सरी जीव। आपण माने बर्तन जदि प्रिपेरेशन करूछंती ओसीएस एएसओ पाई मिनिमम 3 मंथ सब्सक्रिप्शन नहीं परिबे, एटी आपणकु 20% डिस्काउंट मिलिबो। 6 12 24 मंथ लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन उपर भी आपणकर 20% ऑफ अछि। अब एक्चुअली आपन को 10% रो मिले, बर्तन अन एकेडमी रो ऑफर अछि, सो दैट एटा 20% अछि। ओटीई ओडिसा एसएससी बैंकिंग सारा भारत रे होतो सब एग्जामिनेशन पे रेफरल कोड बीबी स्वाइन लाइव को यूज कर परिबे। ए प्लेटफार्म रे आपन माने मते फॉलो कर परिबे, मोर देन 28K फॉलोअर एटी मते फॉलो करचंती। इंडिया रा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफार्म अन एकेडमी को डाउनलोड करी ओपीएससी कैटेगरी चूज कर नेबे। एटी आपन को जो एजुकेटर कम्युनिटी अछि, ए एजुकेटर कम्युनिटी मोर प्रत्येक फ्री क्लास रो पीडीएफ माने ए पीडीएफ आपन को एठी मिलबो एंड प्रत्येक क्लास रो अपडेट आपन माने पाई परिबे। आपन को जणेबी एएसओ पाई आपन को बैच कोर्स चली छि जून 15 रु, जोंतरे फ्रेंड्स मु आपन को कोन नउ छि ना व्याकरण नउ छि। आ आज रो ए क्लास संध्या 6:30 रे हबो, 6:30 पीएम रे आपन माने चाहिले जॉइन करि परिबे। ओडिसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जहा कि आपन को सेप्टेम्बर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इंडिया रो फास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय किए थे? आपन को जाने भी इंडिया जे फास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय थिले से थिले लॉर्ड कैनिंग, राइट? लॉर्ड कैनिंग तांको टर्म थिला 1856 टू 1862, फास्ट वाइसरॉय थिले इंडिया रा। आपन को जाने भी वाइसरॉय किए थिले, वाइसरॉय जने ब्रिटिश क्राउन रिप्रेजेंटेटिव थिले ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग फास्ट द वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 रे आसीथिले। आपन को जाने भी आंको टाइम रे इंडियन सेपॉय म्यूटिनी हेतिला 1857 रे, एंड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 पावर ट्रांसफर हेतिला ईस्ट इंडिया कंपनी रु ब्रिटिश क्राउन को। ओके एंड जे गवर्नर जनरल ए जो पोस्ट थिला एटी कोन करा गला ना टाइटल वाइस रॉय को क्राउन रंग क्राउन को पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव भाबे को आगला, सो दैट लॉर्ड कैनिंग आपन को फास्ट वाइस रॉय हेले। कौन फ्रेंड्स, इनफॉरमेशन क्लियर अछि? क्वेश्चन जति के इंपोर्टेंट नै, आउ थरे रिपीट करबि, क्वेश्चन जति के इंपोर्टेंट नै, एठी जो एडिशनल इनफॉरमेशन अछि ना एटा इंपोर्टेंट। ये तो गोटे मार्क रो क्वेश्चन आसीबो, बट बाकी जो इनफॉरमेशन अछि एथि आपन माने 5 मार्क रो क्वेश्चन पाइबे, ताकु फ्रेंड्स आपन माने नोटिस करंतु। ओके सो सेकंड, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट होची, अंडर हूज टेन्योर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी टुक प्लेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट? हाँ, लास्ट गवर्नर जनरल आल्सो लॉर्ड कैनिंग, राइट श्री? हाँ, सो अंडर हूज टेन्योर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी टुक प्लेस, आईएनसी के अपन एस्टैब्लिश है 1885, यस और नो? आप जानते लॉर्ड डफरिन जी थे टर्म थी 1884 रू 88, समय थर्ड बर्मिस वार मध्ये हेतिला इंडियन नेशनल कांग्रेस आपनकर प्रतिष्ठा हेतिला। मो क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट प्रेसिडेंट किए थिले, जदि जानिछन तबे कमेंट सेक्शन में मते जणंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, जे कि आपनकर डुअल गवर्नमेंट को अबोलिश करथिले इन बंगाल,
ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯିଏ ଆବୋଲିସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଦ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆବୋଲିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓକେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିପାରିବେ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ବା ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ 1787 ରୁ 1795 ଇନ୍ ଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ କିଛି ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କାଲକାଟାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ବା ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ବଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କାଲକାଟା ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ କାଲକାଟା ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଇଟ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କାହା ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଇଏ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଙ୍ଗ ଟୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା ସୋ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା 1911ରେ ସୋ ଦିଲ୍ଲୀ ବିକେମ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ କାଲକାଟା ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଆଯାଇଥିଲା ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଙ୍ଗ ଟୁଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇସ୍ ରହିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲ୍ୟାଟରକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଯାହାକୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଓକେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପର୍ସନାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଯିଏକି ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟମ୍ବ ବା ତାଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥଳ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଛି କେଉଁଠି ରହିଛି ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗାଜିପୁରରେ ରହିଛି ଗାଜିପୁର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ସ୍ମଲ୍ ଟାଉନ୍ ଏଇଟା ଏକ ଫେମସ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଏସ୍ଆଇ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ତାଙ୍କ ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଗାଜିପୁର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସବସିଡିରି ଆଲାଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କାହା ଟାଇମ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା ସବସିଡିରି ଆଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ ୱେଲେନ୍ସଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଥିଲା 1798 ଟୁ 1805 ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଅବଧର ଯିଏ ନବାବ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ ଯିଏକି ସବସିଡିରି ଆଲାଏନ୍ସର ପାର୍ଟ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକି କ୍ଲିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହଁ ଯେଉଁମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ଭାଇସରୟ ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମ୍ ପୋଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଭାଇସରୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା ପୋଷ୍ଟ ସେମ୍ କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି ଓକେ ଚଲୋ ଆପଣମାନେ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି 200 ପ୍ଲସ୍ ଲାଇଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଆପଣମାନେ ଥରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସତୀ ସିଷ୍ଟମ ସତୀଦାହ କ'ଣ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତେବେ ସେଇ ନିଆଁରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଥିଲା ଏଇଟା ବସିପାରିବେ ବା ସେଥିରେ ସତୀଦାହ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଥିଲା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1828ରେ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୁପ୍ରଥାକୁ ଦୂର କରିଥିଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଲାଇକ୍ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ରାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲାଇକ୍ ପଲିଗାମି ଲାଇକ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରାଇଟ୍ ଫିମେଲ୍ ଇନଫାଣ୍ଟିସାଇଡ୍ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ସୋ ଲର୍ଡ ବେଣ୍ଟିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସତୀ ଦାହ ପ୍ରଥା କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍ ରହିଥିଲା ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର PWD ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ରାଇଟ୍ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ 1845 ଟୁ 1955 ଓକେ ବାଏ ରାଇଟ୍ 1845 ହଁ ପବ୍ଲିକ ହଁ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାହା ଟାଇମ୍ରେ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଏଇଟା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା ଏ ହେଉଛି ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା ଭିତରେ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି ନୋ ନା ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ହଁ ୟେସ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ହଁ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ନା ଓକେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି
लॉर्ड डेलहाउसी फ्रेंड्स आपंकर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करते यहाँ कौन थी जदि कार फ्रेंड्स लीगल आयर न थे ठीक अच्छे जदि फ्रेंड्स आपंकर हाँ कार लीगल आयर न थे तेज ए समय कौन हम ना ब्रिटिशर माने हाँ ब्रिटिशर माने कंट्रोल को ये सब एरिया को नहीं जीवे ओके सो लॉर्ड डेलहाउसी आपंकर आनी थे ओके 1848 रे ओके लॉर्ड डेलहाउसी आपंकर केम टू इंडिया गवर्नर जनरल इन 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन करसंतु क्वेश्चन पचारा हु एमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपंकर जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अच्छी ए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइम रे ब्रिटिश इंडिया रो वाइसराय किए थे फ्रेंड्स आर राइट आंसर होची लॉर्ड वेलिंगटन जी कि आपंकर 1936 पर्यंत रही थे ओके सो लॉर्ड इरविन रिप्लेस बाय लॉर्ड वेलिंगटन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन पचार हु डिनाउंस राइट द कांग्रेस आज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कांग्रेस को आपंकर माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किए कहते फ्रेंड्स ये हूँ डफरिन ओके सो ये फ्रेंड्स आपंकर टू हूँ करेक्ट आंसर जी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोली कही ठीक अच्छे आगू चलतु नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पचार भर्नाकुलर प्रेस आक्ट को किए आनी आपको जनइबी भर्नाकुलर प्रेस आक्ट को 1878 वाइस रॉय लॉर्ड लिटन आनी टू हूँ यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पास 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास हवा समय रे गवर्नर जनरल किए थे आपको जनइबी यार राइट आंसर हूँ कौन ना लॉर्ड विलिंगटन जे कि गवर्नर जनरल थे इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पास ही जहाँकि फ्रेंड्स आपंकर लैटर इंडिया पाकिस्तान को विभाजन कर भारत को स्वाधीनता दबा पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन अवसर में बहुत सारा जिनस को फॉलो करा जाइतिला। क्वेश्चन पचारा हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेपॉय म्यूटिनी टाइम रे फ्रेंड्स किए थे गवर्नर जनरल आर राइट आंसर हो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेपॉय म्यूटिनी ओके रिवोल्ट होता आप 1857 मीरठ उत्तर प्रदेश में होता ठीक अच्छे ओके एंड सेपॉय म्यूटिनी कही किए सो जने थे फ्रेंड जॉन लॉरेंस जी कि आपको सेपॉय म्यूटिनी कही। नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जी थे से आपंकर विलियम बेंटिक ओके लास्ट गवर्नर जनरल जी थे फ्रेंड्स से आपंकर विलियम बेंटिक राइट जहाँ का टाइम पीरियड थी 1828 रू 1835 ओके से आपंकर माने जो बी मैक्युले अच्छा सहित इंग्लीश लांगुएज को आनी सहित सती एंड अदर जो क्रुएल जो रिचुअल सब थी आपको सब फ्रेंड्स आपंकर आबोलीस करते आबोलीसन करते राइट आंसर हूँ विलियम बेंटिक ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन राइट आ भितर फ्रेंड्स कौटा आपंकर लॉर्ड कर्जन का टाइम रे हे नथिला फ्रेंड्स आपन को जानेबी नॉट डन फ्रेंड्स पार्टीशन ऑफ बंगाल हेतिला आपंकर ओके फॉर्मेशन ऑफ भारतीय लोकसेवा मंडल हेतिला आपंकर फैमिन कमिशन आसीतिला बट फॉर्मेशन ऑफ हंटर कमिशन एटा आसी नथिला ओके सो दैट राइट आंसर होची फोर। नेक्स्ट रिंग फेंस पॉलिसी एटा कहा सहित एसोसिएटेड थिला आपन को जानिब जो रिंग फेंस पॉलिसी थिला एटा वारेन हास्टिंग सहित एसोसिएट थिला एक्चुअली कौन थिला एक्चुअली थिला फ्रेंड्स आपनकर जो ए पॉलिसी थिला जो नेवरर माने अछन जो फ्रंटियर जो बॉर्डर अछि ताकू सेफगार्ड करबा जरे ब्रिटिश टेरिटरी सेफ हे परिबो सो दैट बफर जोन क्रिएट हे परिबो सो एटा एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिंग फेंस पॉलिसी वाज एसोसिएटेड बाय आपनकर किए ना वारेन हास्टिंग ओके सो थ्री एट करेक्ट आंसर अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा टाइम रे फ्रेंड्स आपंकर कहा टाइम रे वाइसराय ऑफ इंडिया वेयर द ग्रेट मार्टियर राइट लाइक फ्रेंड्स आपंकर भगत सिंह लाइक फ्रेंड्स आपंकर सुखदेव लाइक फ्रेंड्स राजगुरु राइट फांसी दिहला फ्रेंड्स आपको जानवे ये समय आपंकर लॉर्ड यूरिन थे 1925 1931 गांधीजी को भी दोष दि जाए गांधीजी चाहते यहाँ अटकई पारि था यही समय भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी मिलता ओके घटना थी 23 मार्च 1931 लाहौर दि जाइला जहाँ को आम आम देश में शहीद दिवस रूप पालन करूँ क्यों वाइसराय टाइम बंगाल भंग होता फ्रेंड्स आपको जनइबि लॉर्ड कर्जन टाइम बंग भंग होता ओके हि सर्व आज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1899 to 1905 एंड हि फास्ट कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट इन द ईयर ऑफ 1899 कॉन्फ्रेंस एजेंट क्लियर अच्छी।
यस ए जाए क्लियर अच्छी समस्त बच्चा अच्छी यस ना ओके चलो नेक्स्ट जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचाला ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइस रॉय विडो रीमैरेज एक्ट इंट्रोड्यूस विडो रीमैरेज एक्ट माने विधवा विवाह प्रथा ये का समय रे फ्रेंड्स हेतिला ये लॉर्ड कैनिंग को टाइम रे हेतिला आपन को जाने भी विडो रीमैरेज एक्ट 1856 लीगलाइज करा जाईतिला एंड आकु जो रीमैरेज थिला हिंदू विडो एटा आपन को 16 जुलाई 1856 रे आसीतिला एनएक्टेड हेतिला 1856 रे विद द हेल्प ऑफ ईश्वरचंद्र विद्यासागर अंकर एक प्रोमिनेंट रोल रही थी आपन को जाने भी आ पूर्व शक्ति को आबोलिश कर सारी थी विलियम बेंटिक सो पास्ट बाय लॉर्ड कैनिंग ड्राफ्टेड बाय फ्रेंड्स एटी लिखा है ड्राफ्ट जदि आपन को क्वेश्चन आसीबो ड्राफ्ट किए करथिले आर राइट आंसर होउछ लॉर्ड डेलहाउसी बट पास्ट बाय लॉर्ड कैनिंग फ्रेंड्स इंपोर्टेंट एटा आपन माने मन रखि परिबे फ्रेंड्स वर्तमान ना मु भारतर किछ इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल आ तांको टाइम रे जो अचीवमेंट हेजी ताकू डिस्कशन करबा को जाउछ सुनंतु लॉर्ड डेलहाउसी पीरियड थिला 1848 टू 56 सेकंड एंग्लो सिख वार डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फास्ट रेलवे बॉम्बे रू थाने 1853 वुड डिस्पैच पोस्ट ऑफिस फास्ट टेलीग्राफ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट विडो रीमैरेज एंड सिमला समर कैपिटल हेतिला माने रखिबे सिमला ए समय रे समर कैपिटल थिला इंडिया रो ठीक अछि आउथरे जणै भी लॉर्ड डेलहाउसी को टाइम रे फ्रेंड्स ड्राफ्ट हेतिला पास हेतिला लॉर्ड कैनिंग को टाइम रे कोन विडो रीमैरेज एक्ट नेक्स्ट लॉर्ड कैनिंग आपण कर 1856 टू 1862 थिले आपण को मु जणैबी एही समय रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आसीला एही समय रे वाइसराय वाज टू बी हेल्ड बाय द सेम पर्सन हु आज गवर्नर जनरल जे गवर्नर जनरल तांको वाइसराय को आगला ये थिले फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एंड फ्रेंड्स अंको टाइम रे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अछि आकु विथड्रॉल करा जायतिला ओके आकु हटे दिया जायतिला नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम थिला 1786 और 1793 जमींदारी सिस्टम पुलिस रिफॉर्म एस्टैब्लिशमेंट हेतला लॉयर कोर्ट अपीलेट कोर्ट सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस कराई छि थर्ड एंग्लो मैसूर वार एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम एटा अपन के साइन हे छि इंपोर्टेंट पीडीएफ रे अपन को नोट्स मिल जइबो वारेन हेस्टिंग 1772 रु 1785 फर्स्ट गवर्नर जनरल थिले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आसिला कलकत्ता मद्रास एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल प्रतिष्ठा हला कलकत्ता रे सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हला फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंड ट्रीटी ऑफ साइबाई साइन हेतिला भगवद गीता इंग्लिश ट्रांसलेशन हेतिला पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आपण कर आसीतिला लॉर्ड रिपन 1880 रु 84 रहितिले भर्नाकुलर एक्ट को रिपील करा जायतिले 1882 रे हंटर कमिशन आसीतिला 1882 रे इल्बर्ट बिल आपण कर आसीतिला राइट ता सहित फ्रेंड्स ही इज बेस्ट नोन द इंपीरियल गेजेट ऑफ इंडिया जाके स्टार्ट हेतिला 1869 रे आ लॉर्ड रिपन को आपण कर फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण को परीक्षा रे से फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा को कहा जाए लॉर्ड रिपन को कहा जाए एंड से अपन को लोकल सेल्फ गवर्नेंस 1882 रे अपन को एस्टैब्लिश करी थिले नेक्स्ट लॉर्ड इरविन को सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जणे भी साइमन कमीशन आसुची दांडी मार्च होउची सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट फर्स्ट आरटीसी एंड गांधी इरविन पैक्ट सेकंड आरटीसी थर्ड आरटीसी आउ जणे वाइसराय को टाइम रे हेतिला लॉर्ड विलिंगटन सेकंड आरटीसी एंड थर्ड आरटीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पुना एक्ट बर्मा अपन के समय सेपरेट हेतला 1935 रे ऑल इंडिया किसान सभा अपन के 1936 रे एंड कम्युनल अवार्ड अपन के दिया जायतिला लॉर्ड लिन लिथ गो अगस्ट ऑफर क्रिप्स मिशन अपन के आसीतिला 1936 टू 1944 भितरे लॉर्ड रीडिंग जंग टाइम रे चोरी चोरा इंसिडेंट मोपला रिविलियन केरला रे एंड काकुरी कंस्पिरेसी हेतिला नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन का लॉर्ड हार्डिंग कथा जदी फ्रेंड्स अपन को जणैबी थैंक यू शिल्पा राइट लॉर्ड हार्डिंग का कथा जदी जणैबी 1910 टू 1916 वाइस रॉय थिले आपण जो बंगाल पार्टीशन हेतिला ताकू फ्रेंड्स से आपण रिस्टोरेशन करथिले आंको टाइम रे कलकत्ता रु दिल्ली 1911 रे कैपिटल जायथिला एही समय रे आपण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1915 आसुची राइट जोंथे फ्रेंड्स आपण पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करूचंती एही समय रे 22 मार्च 1911 रे किंग जॉर्ज वी तांकर राज्याभिषेक होउची एंड क्वीन मेरी राइट जो न्यू एम्परर एंड एम्प्रेस होउचंती कोठी ना भारत रे
लड़का जा वाइस रॉय थिबा समय रे फ्रेंड्स आपनकर पुलिस कमिशन आसीतिला, यूनिवर्सिटी कमिशन आसीतिला, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आसीतिला, बंगाल भंग 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 होइतिला एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को आपनकर क्रिएट करा जाइतिला। सभा शेष रे फ्रेंड्स आपनको जणैबी ए पीडीएफ आपन माने पाई जिबे, पीडीएफ पाई फ्रेंड्स आपन माने आदो व्यस्त होंतु नाही एंड आज होची फ्रेंड्स आपनकर 30 तारीख अनेक एकेडमी जदि आपन माने सब्सक्रिप्शन हबा पई चाहौचंती आज आपनक पई बेस्ट डे आउ किछि समय 6 घंटा भीतर आपनकर ए ऑफर क्लोज हे जइबो 20% डिस्काउंट मिलिबो। आपन माने मो टेलीग्राम ग्रुप विभूति सार को जॉइन कर परिबे, अन एकेडमी को डाउनलोड करिया पई आपन माने भूलिबे नै। केमति लागला फ्रेंड्स क्लास आपनकर? मु आपन कहिथिली 20-25 मिनिट भीतर क्लास को खत्म कर देबे। वीडियो भल लगी लाइक करेंगे, सांग मानू शेयर माध्यम रे निश्चिंत जनइबे, समस्त को जनइबे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, स्टे सेफ।